हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारे यूट्यूब चैनल ससु जी के किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो देख सकते हैं, आज हम लोगों ने बनाया है आम की खट्टी मीठी लौंजी। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए, हमने 6 आम लिया है और ये कम से कम आधा किलो तक होगा या आधा किलो से थोड़ा ज़्यादा होगा। देख सकते हैं, इस आम को हम पहले इसके छिलका उतार लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, हमने सारा आम छील लिया इस तरीके से, और मैं आपको अब काट के दिखाती हूँ कैसे काटना है। ये देखिए, इस तरीके से काटना है। इतना बड़ा बड़ा साइज मैं आप लोगों को काट के दिखाती हूँ। ये हमारा बिल्कुल कच्चा आम है, इसके अंदर अभी ये पूरा कच्चा है, ये आराम से निकल जाएगा। अगर आपका वैसा आम हो तो ऊपर ऊपर से आप खाली इसका गुद्दा गुद्दा निकाल लें। ये देखिए, इसको बीच में से इस तरीके से करेंगे और एक आम में से हम 3 टुकड़ा करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, इस तरीके से काट लेंगे हम सारा आम। तो चलिए इसी तरीके से हम अपना सारा आम पहले काट लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड, हमने अपना सारा आम काट कर तैयार कर लिया है। देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से काटना है। और अब हम अपना कढ़ाई रख दिए गैस पे, इसको गर्म होने देंगे अच्छे तरीके से। ये देखिए, हमारी कढ़ाई अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, और ऑयल को भी हम अच्छे तरीके से गर्म होने देंगे। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च है 2, जिसको मैंने बीच में से तोड़ लिया है, सूखी लाल मिर्च है। और ये है हमारा 5 फोरन, ये डालेंगे हम आधे छोटी चम्मच। सौंफ, मेथी, अजवाइन, कलौंजी और सरसों का दाना मिक्स कर लें। अगर आपके पास 5 फोरन ना हो तो इनको हम अच्छे से चटक जाने देंगे। और इसमें हम पहले डालेंगे जरा सा जीरा, ये देखिए मैंने आम डाल के अच्छे से मिला लिया इसको, और इसको हम 2-3 मिनट ऐसे भून लेंगे। ये देखिए 2-3 मिनट हो चुका है, अब हम इसको दोबारा ऐसे चला लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे पानी, 1 गिलास पानी डाल रही हूँ मैं। और हम इसके अंदर डालेंगे मसाले, तो मसाले में मैं डाल रही हूँ 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये सॉल्ट है हमारा व्हाइट वाला, व्हाइट वाला डाल रही हूँ मैं 1/2 छोटी चम्मच, और 1/2 छोटी चम्मच मैं काला वाला डाल रही हूँ। और ये है हमारा काली मिर्च जीरा पाउडर, ये भी 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे। और इसको हम चला लेंगे सबको, और इसके अंदर उबाल आने तक इसको आप ढक के छोड़ देंगे उबाल आने तक। ये देखिए 2-3 मिनट के बाद हम इसको एक बार चला लेंगे। ये देखिए कितनी अच्छी खासी उबाल आ रही है, तो बीच में हम चला लेंगे इसको। और आम को सॉफ्ट होने तक हमें इसको पकाना है। आम जब हमारा सॉफ्ट हो जाएगा तब हम इसके अंदर गुड़ डालेंगे अपना, तो हम दोबारा इसको ऐसे ही ढक देंगे। ये देखिए 7 से 8 मिनट हो चुका है हमारा टोटल, तो इसको हम एक बार चेक कर लेंगे अपने आम को। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है, तो हम चेक कर लेते हैं आम हमारा। ये देखिए आम हमारा सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे गुड़, तो ये हमारा 300 ग्राम गुड़ है, ये छोटे छोटे गुड़ है, तो इसको मैंने तोड़ा नहीं है। आपका अगर बड़े गुड़ हो तो उसको आप तोड़ लें। और इसको हम मेल्ट होने तक पकाएंगे। ये देखिए गुड़ हमारा बिल्कुल मेल्ट हो चुका है। और ये हमारा बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर लास्ट में डालेंगे चाट मसाला, 1 चम्मच चाट मसाला डालेंगे।
और इनको मिला लेंगे अच्छे से। अगर आपको गाढ़ा खाना है तो आप इसको और हल्का उबाल सकते हैं। या फिर अगर ऐसा खाना है तो आप अभी बंद कर सकते हैं गैस। तो मैं हल्का इसको और गाढ़ा करूंगी। ये देखिए 2-3 मिनट और उबाल लिया है मैंने, तो ये हमारी हो चुकी है परफेक्ट, देख सकते हैं आप लोग। तो हमारी आम की खट्टी मीठी लौंजी बनकर तैयार है। तो चलिए मैं आप लोगों को सर्व करके दिखा देती हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है और ये खाने में भी बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं या फिर इसके साथ रोटी और पराठे के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। ये देखिए फ्रेंड, हमारी आम की खट्टी मीठी लौंजी बनकर एकदम रेडी हो गई है खाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं इसको बनाने में मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं लगा है। तो इस तरीके से आप जरूर बना के ट्राई करिए एक बार और बताइए हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड ग्रुप में भी हमारा चैनल शेयर किए करिए और कमेंट करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए वो लोग से भी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच हमारा वीडियो देखने के लिए।